बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं बैठी हूँ इस्मत के साथ और इनके बेटे ने इनको यहाँ छोड़ा जो कि एक डॉक्टर थे। उनके साथ कोई फाइनेंशियल मसला भी नहीं था, लेकिन ना जाने वो इन्हें यहाँ क्यों छोड़ गए। आइए इस्मत से ही पूछते हैं, शायद उनका दुख बांटने से उनका दुख कुछ कम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बेटे आपको यहाँ छोड़कर गए थे? बेटा दामाद, बेटा और दामाद दोनों मिलकर दोनों दाखिल कर गए थे। तो क्यों छोड़ के गए थे, ऐसी क्या बात हुई थी आपके साथ? मेरे साथ कोई बात नहीं थी, मेरी बहू नहीं चाहती थी कि मैं घर में रहूं। क्यों बहू नहीं चाहती थी? आप दोनों की लड़ाइयाँ होती थी क्या? हाँ, तो वो उसने किसी ने बताया होगा उसको कि वहाँ ईदी साहब का वार जो है उसमें टांगों में दर्द था, मेरी टांगे सही हो जाती हैं, वो ये छोड़ गया यार। नहीं तो आपकी बहू ने कहा कि या अपनी माँ को रखो घर में या मुझे रखो। हाँ, बस ये कहती थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो उसको आपसे शिकायत क्या थी कि आप जालिम सास थी? मैंने कहा मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चली जाएगी तो मैं नहीं गया। मैंने कहा तू चली जाएगी तो शक्ल कौन देखेगा। मैंने ये बात कही जो बात है तो वो मुझे यहाँ छोड़ गया। आप गुस्से की तेज थी, लड़ाइयाँ करती थी क्या बहू से? आ? आप बहू से लड़ती थी, गुस्से की तेज थी, उसको बातें सुनाती थी? लड़ती नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं कहती थी बहू को, मेरी आदत नहीं है ऐसी बहू को कुछ कहूँ मैं। तो क्या आपसे बहू चिढ़ती क्यों थी? क्या आपकी खिदमत करनी पड़ती थी उसे? कुछ भी नहीं कर रही उसने, न कोई काम ही नहीं करती थी, पानी रखा तो पिला रही नहीं थी, ऐसी थी। तो आप कितने अरसे से इधर हैं? अब ये क्या खबर नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी थी यही कि वो उससे शादी हो गई उसकी। नहीं नहीं आप कितने अरसे से थी कि कितने अरसे से यहाँ पे हैं? कितने कितने दिनों से यहाँ पे हैं? एक साल एक महीना हो गए। बहू खुद अपनी पसंद से लाई थी या बच्चे की पसंद से शादी की थी उसने? नहीं, मुझे यहाँ एक्स्ट्रा एक महीना हो गया। नहीं नहीं आपने अपनी बहू अपनी अपने खुद पसंद से चुनी थी कि बेटे की पसंद की थी? वो बहू बहू बीवी जो थी ना आपके बेटे की, बहू तो मेरे पसंद की थी। हाँ। अब ये क्या खबर थी क्या ऐसी हो गई? तो आपने शिकायत नहीं की उसकी अम्मी को कि तुम्हारी बेटी जो है इतनी बदतमीजी करती है? उसने उसकी माँ ने हमारे माँ के पास पढ़ा था तो सब पूरा खानदान जानने वाला था उसका, क्या खबर थी कि बहू ऐसी हो गई? कभी याद आते हैं बच्चे? बच्चे क्या याद होंगे, बेटी याद आती है? बेटी कैसी थी आपके साथ? बेटी तो अच्छी है, बेटे के बारे में मालूम ही नहीं कि वो उसका वो बुला रहा था, हान कान कह रहा था कि तो यहाँ आ जा बच्चे को देख लूंगा मैं और आपसे मुलाकात हो जाएगी। बेटा हमारा बेटी की खबर नहीं कोई। बेटा आपका अब जिंदा नहीं है, इंतकाल हो गया? बेटा इंतकाल हो गया ना, दो तीन महीने हुए। आपको एक साल एक महीना इधर हुआ है और बेटे के आपके यहाँ आने के बाद बेटे का इंतकाल हो गया? अभी तो इंतकाल हुआ दो तीन महीने। तो बहू मिलने नहीं आई आपसे? बहू आ रही, वो आई नहीं है जब से। आपके पोते पोतियाँ हैं? हाँ, दो बेटे हैं एक बेटी। याद आते हैं कभी वो, उनको गोदों में खिलाया है आपने? बहू वो बच्चे तो आ रहे थे, अब आए थे एक महीना हुआ फिर नहीं आया। कभी याद नहीं आती कि दादी दादी करके आपको बुलाने वाले बच्चे आपको इधर छोड़ गए, उनके बच्चों के बच्चे देखे आप, आपको याद नहीं आते वो लोग? मुझे नहीं आते याद, झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। नहीं याद आते? जब बहू अच्छी थी तो बच्चे भी उसका है थी, आई थी फोटी कोई एक महीना हुआ। तो बेटे का इंतकाल हुआ तो आपको तकलीफ नहीं पहुंची एकदम कि मैंने उसको आखिरी वक्त नहीं देखा? मैं गई नहीं, नहीं गई बेटे को देखने? इतना दिल बुरा हो गया था बेटे से कि बेटे को आखिरी वक्त चेहरा भी नहीं देखने गई? दिल बुरा नहीं हुआ था, बहू से हुआ था, वो आई थी ऐसी बड़ी बहन के डॉक्टर का
इंतकाल हो गया, आप कैसे जाओगी? मैंने दवा भी नहीं दिया। मैंने कहा भाई देखो तबियत खराब, कल से मुझे जड़ा चढ़ा बनी जा रही हूँ। कभी आपको बेटा याद नहीं आता? कभी आपको अपने बच्चे याद नहीं आते? भाई बेटा तो याद आएगा, तो कैसे याद हो सकते हैं बच्चे? तो कहने लाइक चली गई, बस इतना कहा चली गई। कभी दिल से बदुआ निकलती है बच्चों के लिए जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया कि आपको आपकी जिंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ छोड़ गए वो अकेला? फिर बाद में आया, कहने लगा हॉस्पिटल वो कराया, अगर यहाँ तो करीब है मैं ले दूंगा आपको। मैंने कहा मैं खा जाके पड़ जाऊँ, जाके अब कोई हो ही नहीं। कभी रोना आता है किसी बात पर? याद करके बच्चों को रोना आता है कभी? हाँ तो भाई वो तो रोना आएगा ही कभी। वो मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पर, कहने लगा एक जगह घर और है, दो जगह घर बताया। यहाँ मैं आप प्लीज मुझे बताएंगे आके कि इनके साथ क्या हुआ था, जरा मुझे शुरू से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इस्मत अम्मा आज से तकरीबन 5 साल पहले आई थी और इनके बेटे ने इनको यहाँ पर एडमिट करवाया था, मगर जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि मेरा बेटा डॉक्टर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आपके बेटे डॉक्टर हैं और ये नफ्सियाती मरीज़ा भी नहीं थी। इनके बेटे ने ये कह के दाखिल करवाया कि मैं किसी मजबूरी की बिना पर और इनका इनके पाँव में थोड़ा दर्द है या मसला है इसलिए दाखिल करवा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि उनका बेटा डॉक्टर है। इन्होंने बताया कि मेरी बहू ने कहा या तो अपनी वालदा को रखो या फिर मुझे रखो। तो जाहिर मेरा बेटा मजबूर था, उसके बच्चे हैं, वो अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ दाखिल करवाया, वो बहुत रो रहा था। और जब इनके बेटे का इंतकाल हुआ अभी कुछ 2-3 महीने, तो फिर उस वक्त इनकी कैफियत क्या थी? इनके बेटे के इंतकाल को 2 माह नहीं हुए, इनके बेटे को तकरीबन 1 साल हो गया है और 5 साल से ही हमारे इदारे में है। तो इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरा हुआ, जिसमें उनका इंतकाल हो गया। और फिर इनके बेटे की मैयत ईदी सेंटर में ही आई थी इनको मुंह दिखाने के लिए। और बस उस वक्त मुझे सिर्फ इतना आया कि बहू ने कहा था कि या तो माँ को रखो या मुझे रखो, तो अल्लाह ताला ने देखें उनसे उनके शौहर को ही छीन लिया। ये सब लोगों के लिए जो भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उनके लिए इबरत है कि हम किसी का बुरा चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमारा भी बुरा कर सकता है। ये तो सब्र से बैठी हुई है, तो अपनी बेटी को भी बुरा नहीं कहती हैं, बेटे को भी बुरा नहीं कहती हैं, यही कहती हैं कि मेरी बहू ठीक नहीं थी। और फिर ये घर ही नहीं गई। एक इंटरव्यू पे इनकी पोती ने इनका इंटरव्यू देखा, इनकी पोती की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान होगी। वो काउंटर पर आकर लड़ाई करने लगी कि मेरी दादी का आप लोगों ने इंटरव्यू दिया, ये वो सिस्टर बोल रही थी। तो हमने कहा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगी हाँ हाँ मैं अपनी दादी को ले जाऊंगी, मेरी अम्मी इद्दत में है। बस वो लड़ने के लिए आई थी इनकी पोती, उसके बाद अभी तक इनसे एक मुलाकात भी करने नहीं आई। ईदी सेंटर में आकर मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ जिनके बारे में मैं अक्सर ड्रामे और फिल्मों में सुना करती थी, उनको मैंने आज देखा है। वाकई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वाकई दुनिया में ऐसे बुरे लोग हैं जो उन हाथों की कदर नहीं करते जिन्होंने पाल पोस के उनको इस मकाम पे पहुँचाया होता है। बहुत दुख का मकाम है। यहाँ अलग 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 किस्म के किस्से आपको सुनने को मिले होंगे। और प्लीज़ अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो अपने माँ बाप को इस हाल में कभी भी अपने आप से अलग ना करें, कभी भी उनको अपना अपने ऊपर बोझ ना समझें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो ईदी सेंटर का एक और रुख आपके सामने लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।